नमस्कार, मैं हूं नेहा गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार टीवी। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में कोविड 19 टीकाकरण अभियान का नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। सबसे पहला टीका अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड अजय सिंह को लगा। इस मौके पर करीब आधे घंटे तक डीएम ने सभी चीजों के बारीकियों से जानकारी ली। बिहार शरीफ सदर अस्पताल समेत जिले के 10 जगहों पर बूथ बनाया गया है। इस मौके पर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि सभी केंद्रों पर पंजीकृत 100 स्वास्थ्य कर्मियों और हेल्थ वर्करों को टीका लगाया जा रहा है। जिले में कुल 1493 का पंजीकरण किया गया है, जिसमें से पहले चरण 6452 को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कोविड 19 के करीब 3680 टीका आया है। एक टीका से 10 लोगों को 5 ml टीका लगाया जाएगा। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर राम सिंह, नगर आयुक्त अंशु अग्रवाल के अलावे कई पदाधिकारी मौजूद थे। देखेंगे तो पूरे प्रोटोकॉल के तहत में पूरा जो उसका बजाबते फॉलोअप है और पूरा वेरिफिकेशन से लेकर के उनको जो की मैसेजेस दिए जाने हैं, जो सावधानियां बरतनी है, उसके साथ में पूरा यहां पर ये कराया जा रहा है। और इसी के साथ में इस साइट के अलावा भी 9 साइट्स हमारे हैं, कुल मिलाकर के 10 सेशन साइट्स पे ये पूरे जिले में आज कराया जा रहा है। कितने लोगों का अभी आज का दिन लक्ष्य रखा गया? हाँ, आज के दिन में प्रत्येक साइट पर हम लोगों का 100 लोग का है, तो इस तरीके से 1000 लोगों का आज हम लोग करेंगे। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।